लव कुश के ई भूमि पर हम सबके प्रणाम करतानी। और रउआ जानते बानी मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। बिहार के बेतिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी बोलकर समा ही लूट लिया। लालू प्रसाद यादव पर भी खूब कड़े तंज कसे। तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा। जंगल राज पर भी कई सारे बातें कही, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद भोजपुरी में कहते हैं, वैसे ही दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भोजपुरी शब्द का, इस भोजपुरी लफ्ज का स्वागत करते नजर आए हैं। बताते चले हम आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया में कार्यक्रम था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी और जैसे ही प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होता है, दर्शक दीर्घा में बैठे लोग तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव के कड़े सवालों का जवाब देते हैं, परिवारवाद पर उठे सवालों का भी जवाब देते हैं और खूब निंदा करते नजर आए हैं। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज पर भी सवाल उठाया, बिहार की जनता को कहा कि क्या आप राजद को, कांग्रेस को और इस महागठबंधन की जंगल राज को क्या कभी आप माफ कर पाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बिहार में जब तक राजद रहेगी तब तक बिहार में केवल एक ही परिवार फूलता फलता रहेगा और वो परिवार केवल राजद का परिवार है। इन लोगों ने परिवारवाद के जरिए पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनिए। पहले महर्षि वाल्मीकि के कर्मभूमि माता सीता के शरण भूमि और लव कुश के ई भूमि पर हम सबके प्रणाम करतानी। और विकसित बिहार के लिए आज यही गारंटी मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूं। और रउआ जानते बानी मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। साथियों, एक तरफ नया भारत बन रहा है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर कड़े तंज कसे और लालू प्रसाद यादव ने जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाया था, गांधी मैदान में जो कड़े सवाल किए थे, परिवारवाद को लेकर भी कड़े सवाल किए गए थे और ये भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हिंदू ही नहीं है, उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाया गया था, तो आज नरेंद्र मोदी ने उन तमाम सवालों का करारा जवाब दिया है और लालू प्रसाद यादव पर कड़े तंज कसे हैं। मोदी ने कहा कि जंगल राज इन्होंने बिहार में लाया है, जितने भी बर्बादी हुई है बिहार में केवल राजद परिवार की वजह से। इन लोगों ने जब तक बिहार में राज किया बिहार को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अब मुझे खुशी होती है क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, हम साथ हैं, नीतीश कुमार साथ है और बिहार में अब तरक्की होगी। बिहार में हम बिहार के हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, हम सोलर प्लेट लगाना चाहते हैं, लेकिन वहीं राजद वाले बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं, बिहार के हर घर में माफिया पैदा करवाना चाहते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने जंगल राज लाया था, लेकिन अब हम उस जंगल राज को खत्म कर रहे हैं। हमने वो तमाम काम किया है जिससे बिहार में जंगल राज खत्म हो और अब जो बिहार की जनता के साथ हम हैं, बिहार की जनता हम पर भरोसा करती है, तो इसका अंजाम बिहार वालों को जरूर देखने को मिलेगा। इस भरोसा पर हम खरे उतरेंगे और नरेंद्र मोदी के भाषण से पूरे बेतिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नरेंद्र मोदी भोजपुरी में जब ये बातें कहते हैं तो वहां पर माहौल बन जाता है, दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोग नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे को देखकर खुश तो थे ही, लेकिन अब उनकी भोजपुरी को सुनकर
अपनत्व को महसूस कर रहे हैं। हम आपको वो तमाम विजुअल्स के साथ छोड़े जाते हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और दर्शक दीर्घा गड़गड़ाहट से, ताले की गड़गड़ाहट से नरेंद्र मोदी का स्वागत करती है। महर्षि वाल्मीकि के कर्मभूमि, माता सीता के शरण भूमि और लवकुश के ई भूमि पर हम सबके प्रणाम करतानी। राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्यकर जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, राज्य सरकार में मंत्री वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी जी, संतोष कुमार सुमन जी, सांसद संजय जायसवाल जी, राधा मोहन जी, सुनील कुमार जी, रमा देवी जी, सतीश चंद्र दुबे जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहाँ एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया, क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, और विकसित बिहार के लिए आज यही गारंटी मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूं। और रउआ जानते बानी, मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। साथियों, एक तरफ नया भारत बन रहा है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।